अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मैं खैरियत से हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं इसके सामने। तो अभी हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट पार्ट नंबर 1 टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो अब इसमें हम साइन वाले फंक्शन को लेट करेंगे कि ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। साइन से हम टेंजेंट की तरफ जाएंगे। हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 5/13 जो है ये हमारे पास एक्स के इक्वल है, इक्वल टू एक्स। साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास 5/13। अब साइन से हम कॉस निकालेंगे क्योंकि हमारे पास टेंजेंट जो है टेंजेंट एक्स इक्वल होगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। हम साइन से कॉस निकालेंगे, फिर वहां से हम टेंजेंट निकालेंगे। हमें पता है एज वी नो दैट हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 5/13 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। इसके एलसीएम ले लेंगे हम 169, तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144/169। दोनों तरफ इसके स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144/169 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस के साथ 12/13। अब इसमें प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने हमें क्वाड्रेंट नहीं बताया। अगर बताया तो हम प्लस माइनस लिख के चेक करते क्या ये प्लस है या माइनस है। तो अब सिंपल 12/13, हमें पता है कि टेंजेंट एक्स जो है ये इक्वल होगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू 5/13 ओवर कॉस एक्स की 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा 5/12 के। टेंजेंट इधर आके इनवर्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12 के। अब यहाँ हम इसके एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 5/12 इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो हमने लेट की थी साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास 5/13। ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 टेक्निकली इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिए हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट याद रख लें, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई वैल्यू 2 के साथ जैसे आ रही है ये कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास कोई थर्ड वेरिएबल या कोई वेरिएबल एक्स की इक्वल है। हम लेट करेंगे हमारे पास एक्स जो है ये इक्वल है कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5। अब जरा देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ से हमें साइन चाहिए, साइन के साथ 2 चाहिए, तो हम यहाँ जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा साइन 2x का, जो कि इक्वल होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए कॉस हमारे पास है, हमें साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
कॉ से साइन निकालेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 4/5 स्क्वेयर हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 स्क्वेयर लेने के बाद, अब इसका 25 LCM आ जाएगा, तो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 25 LCM, 25 माइनस 16 हो जाएगा। दोनों तरफ 7 स्क्वेयर रूट ले लें और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 9/25 स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। अब हमें साइन 2x फाइंड करना है, हमें पता है कि साइन 2x जो है ये इक्वल होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स की। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x की वैल्यू 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू 4/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2x इक्वल हो जाएगा 2 3 6 6 4 24/25। साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x जो हमने लेट किया था, तो ये हो जाएगा 2 cos inverse 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2। इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस ये आपने पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो 2 के साथ फंक्शन है उसको लेट करना है। इधर साइन है तो साइन का 2x बनाना है, लेट से कॉस होता तो कॉस का 2x बनाना था, तो ये आपने पॉइंट इसमें माइंड में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, वो 2017 में ये टेस्ट भी किया गया। अब इसमें कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है। आप इसमें एक और ट्रिकी पॉइंट याद रखने, साइन या कॉस में सेलेक्ट करेंगे, टेंजेंट कॉट में लेट नहीं करेंगे। अब इसमें जो हमने लेट करना है वो हमारे पास कॉस इनवर्स है जो कि एक्स के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 है। अब इधर से कॉस इधर आके इनवर्स इधर आके कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5 है। अब हमें कॉट बनाना है, तो कॉट जो है ये इक्वल होता है साइन कॉज ओवर साइन, कॉज बाय साइन। कॉज हमारे पास है, कॉज से हम साइन निकालेंगे, हमें पता है साइन स्केयर एक्स जो इक्वल होता है 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स के। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू 4/5 स्केयर। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 25 LCM, तो 25 माइनस 16, ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 9/25। दोनों तरफ हम इसके स्क्वेयर रूट कर देंगे, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 9/25, इधर भी स्केयर रूट इधर भी स्केयर रूट, तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 3/5। कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, अब हम कॉट निकालेंगे। हमें पता है एज कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स की वैल्यू 4/5 ओवर साइन एक्स की वैल्यू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3, कॉट इधर आके कॉट इनवर्स हो जाएगा। अब एक्स जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5, तो ये हो जाएगा कॉस
इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। दोनों साइडें बराबर होगी, तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 3। बस इसमें ये याद रखना, साइन कॉस के फंक्शन लेट करने, और 2 वाले में जो 2 के साथ फंक्शन है उसको लेट करना। ये दो तीन पॉइंट थे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, इनमें से एक का टेस्ट हो सकता है, तो इनको करेंगे समझेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इनको करें समझें, कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।